नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मैया सम्मान योजना को लेकर के। दोस्तों मैया सम्मान योजना को लेकर के बड़ी अपडेट आई है आप लोगों के लिए। बड़ी अपडेट ये है कि आप लोगों के लिए मैया सम्मान योजना के लिए अंतिम मौका हो सकता है जिसमें से कि आप अपना आवेदन कर सकते हैं। दूसरी अपडेट ये है कि आप लोगों को मैया सम्मान योजना को लेकर के बहुत दिनों से बेसब्री है कि आखिर आप लोगों को कब मैया सम्मान योजना की पांचवी किस्त मिलेगी। और पांचवी किस्त से सबसे बड़ी ज्यादा आप लोगों को खुशी इस बात की होगी कि आखिरकार हमारे अकाउंट में 2500 रुपये कब मिलने वाले हैं। दोस्तों जब से हेमंत सोरेन ने ये अपडेट दिया है ना कि मैया सम्मान योजना की पांचवी किस्त दिसंबर में आप लोगों को 2500 रुपये मिलने लगेंगे, उन दिनों से आप लोगों को और महिलाओं को विशेष करके बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सबों के मुंह से सुन रहे हैं कि अबर मैया सम्मान योजना की राशि जो है वो 2500 रुपये मिल रहे हैं। तो इसके बारे में हम कंप्लीट जानने वाले हैं। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आप लोग वीडियो को देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जिसमें सब्सक्राइब करने से आप ही लोगों का फायदा होगा। फायदा ये होगा कि जैसे आप सब्सक्राइब करके रख लेते हो तो आप लोगों को जो भी वीडियो हम सबसे पहले डालेंगे सबसे पहले आप देखोगे, और जितना जल्दी आप देखोगे उतना जल्दी ही आप अपडेट रहोगे कि झारखंड में और केंद्र में क्या योजनाएं चल रही है उसके बारे में हम प्रॉपर आप लोगों को गाइडेंस देंगे और सही तरीके से फॉर्म भरने की प्रोसेस बताएंगे। तो दोस्तों आइए वक्त को जाया ना करते हुए पूरी तरह से हम जिक्र करने वाले हैं कि मैया सम्मान योजना की जो अंतिम मौका बोल रहे थे वो अंतिम मौका इसलिए बोल रहे थे क्योंकि मैया सम्मान योजना की जो फॉर्म है वो फिर से आप लोगों के बीच में फॉर्म भराना शुरू हो गया है। और फॉर्म भराने के लिए आप लोगों को अबर क्या था कि राशन कार्ड के लिए जो पिछले बार दिक्कत हुई थी, तो आप लोगों को हम ये बता दें कि मैया सम्मान योजना में राशन कार्ड में पति का नाम हो या पिता का नाम हो, किसी का भी नाम हो, काम आपका चल जाएगा। दूसरी बात, अभी अंतिम मौका इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि कुछ ही दिन बचे हुए हैं, मतलब आज 5 तारीख हो गए हैं, तो आज से जो आप लोगों का फॉर्म भराने की जो प्रोसेस है वो चल ही रहे हैं, लेकिन पैसा भी भेजने की जो प्रोसेस है वो 5 दिसंबर से यानी आज के दिन से शुरू हो जाएंगे और 11 से लेकर के 15 तारीख तक सभी के बैंक खाते में 2500 रुपये पहुंच जाएंगे। तो उनके लिए जो विशेष बातें ध्यान रखनी होगी वो विशेष बातें ये होगी आप लोगों के लिए कि आप लोगों को DBT करवा लेना है, क्योंकि बिना DBT के आपके बैंक खाते में पैसा इस बार नहीं पहुँचने वाले हैं। तो जरूरी आप लोगों के लिए ये हो जाता है कि DBT करके रखना आपके खाते में, ठीक ना। और अभी आप लोगों को मैया सम्मान योजना की जो फॉर्म भरना है वो भर लीजिएगा, ठीक है। अभी भी प्रोसेस और साइट चल रहा है, लेकिन फॉर्म भरने के बाद अभी क्या होता है कि पिछले बार आप लोगों ने देखा होगा कि मैया सम्मान योजना का फॉर्म का पैसा कल मिलने वाला है, फॉर्म आज भर दिए तो आपको कल का कल पैसा मिल जाता था, लेकिन अबर सिस्टम चेंज कर दिया है। सिस्टम ये चेंज कर दिया है कि अभी आप कहीं भी CSC सेंटर से फॉर्म भरवाते हो तो CSC सेंटर वाले तो ऑनलाइन कर देते हैं, उसके बाद आपका जो पैसा नहीं आने का मेन कारण हो जाता है, फॉर्म तो आपने ऑनलाइन करवा लिया, अब आप इस बात में बैठे हुए हैं कि आपका मैया सम्मान योजना का जो पैसा है वो नहीं आ रहा है। तो नहीं आने के पीछे जो वजह होते हैं वो CSC सेंटर के बाद ऑनलाइन हो जाते हैं, उसके बाद चल जाते हैं आपके पंचायत सचिव के ID में, फिर पंचायत सचिव आपका अप्रूव करेगा तो चल जाते हैं ब्लॉक के ID में, ठीक ना। तो ब्लॉक में चल जाते हैं, ब्लॉक के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट से आप लोगों का पैसा आता है मैया सम्मान योजना का। तो करना क्या है कि जैसे ही आप फॉर्म को ऑनलाइन करवाते हो, ऑनलाइन करने के बाद आप पंचायत सचिव के पास चल जाओगे, पंचायत सचिव के ID में आप चेक करा लोगे, क्योंकि जहां से आप ऑनलाइन करवाते हैं वहां JMMSY करके आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दे देता है, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर के आप पहुंच जाओगे पंचायत सचिव के पास, तो वो देख करके आपके जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे तो वहां से उसका डिटेल शो कर जाएगा और वो वहां से अप्रूव कर देंगे, फिर आपका ब्लॉक में चल जाएगा। तो क्या करोगे कि आप फिर एक बार ब्लॉक जाओगे, देखिए ये प्रोसेस हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये प्रोसेस अगर करोगे तो आपका जो 5 दिन या 15 दिन की जो काम होती है वो एक दिन में आप कर सकते हो। होगा ये कि थोड़ा सा आपको दौड़ना पड़ेगा, लेकिन काम आपका जेन्युइन होगा, और ऐसा वीडियो हमको नहीं लगता है कि यूट्यूब पर किसी ने बताया होगा जो जेन्युइन प्रोसेस है, जो प्रैक्टिकली प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से मैंने कई लोगों का अप्रूव करवाया है वो प्रोसेस हम आपके सामने रखते हैं। ऐसा नहीं कि जो न्यूज वगैरह में चल रहा है वो हम आपके सामने प्रोसेस कोशिश करते हैं कि आप लोगों को जो सटीक तरीके होते हैं उसी तरीका को हम आप लोगों के बीच में साझा करें। तो ब्लॉक से जाके अप्रूव करा लोगे तो डिस्ट्रिक्ट में रुकता नहीं है और डिस्ट्रिक्ट से डायरेक्ट आपका पैसा आ जाएंगे, ठीक ना।
तो अभी भी चल रहे हैं साइट, अभी भी आप अपना आवेदन कर सकते हैं, अंतिम मौका है। क्योंकि हो सकता है कि इसके बाद आपको पता होगा कि बहुत सारे प्रोसेस, क्योंकि आपको पता होगा कि धीरे धीरे प्रोसेस चेंज होते जाते हैं। शुरू में क्या था कि सीएससी सेंटर में आप ऑनलाइन करवा लिए, उसके बाद आप सो जाइए आपका पैसा आ जाएगा। अभी क्या चल रहा है कि अभी मैय सम्मान योजना का फॉर्म भरवाते हैं सीएससी सेंटर में, फिर पंचायत सचिव पर जाता है, फिर बीडीओ के पास जाता है, फिर डीसी के पास जाता है, डिस्ट्रिक्ट पहुंचता है। तो इन तरीके से लेकर के कई सारी परेशानियां होती है। तो जैसे जैसे टाइम पहुंचते जाएंगे, लोगों के बीच में बढ़ते जाएंगे, तो प्रोसेस चेंज करते जाएंगे। क्योंकि सरकार के सामने एक चैलेंज ये भी है कि इतने सारे लोगों को इतने पैसे देना, ठीक ना। तो ये चैलेंजेस हैं, इसीलिए कुछ ना कुछ तो रुख बदलेंगे ही। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुआ होगा। अगर यूजफुल साबित होता है और आप चाहते हैं कि रेगुलरली आप लोगों तक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जाते रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों के साथ शेयर कर दें। तो दोस्तों आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।